और चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। आज जहां लखनऊ में सीएम योगी ताबड़तोड़ बैठक लेने वाले हैं, आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है और लाखों राज्य कर्मचारियों की निगाहें आज की बैठक पर है। कई अहम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। आपको बताएं कि दोपहर 1 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। मंत्रियों के जिलों के दौरों को लेकर भी चर्चा बैठक में संभव है। तो आज ताबड़तोड़ आपको बैठकें देखने को मिलेंगी और सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग है 11 बजे और उसके बाद 1 बजे के आसपास मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आज बैठकों का दौर रहने वाला है, कौन सी मुख्य चीजें हैं जो इन बैठकों से निकलकर आ सकती हैं? आज देखिए, आज मंगलवार है और अमूमन उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन पिछले हफ्ते और उससे पहले 2 हफ्ते हमने देखा कैबिनेट बैठक नहीं हुई। इसलिए आज मुख्यमंत्री जब खुद लखनऊ में हैं और तमाम सारे जो मंत्री वो दौरों पर भी गए थे, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम कहें प्रस्ताव आज लाए जाने कैबिनेट में अप्रूवल के लिए। एक तो सबसे बड़ा, अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र नीति जो आए, स्थानांतरण नीति आए, क्योंकि तकरीबन 16 लाख के आसपास राज्य कर्मचारी हैं, 20% के आसपास ट्रांसफ़र हर साल होते हैं, तो इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी आ रही तो आ जाए और उसके बाद जिसको जहाँ जाना है वो जाए। तो उस पर मुहर लग सकती है इस जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है। इसके अलावा सरकार ने अभी आपने देखा बजट में किस तरीके से पैसे का एलोकेशन किया, तमाम सारी जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, उनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ख़ासतौर से जिस तरीके से अगर हम कहें जो छात्राएं उनको स्कूटी देने की बात है, या फिर जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको बसों में फ्री यात्रा की बात है, और जो स्कीम्स थी तो उनमें कुछ पर प्रस्ताव आज लाया जा सकता है, उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा PWD से जुड़े कुछ प्रस्ताव हैं, उस पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ प्रस्ताव, उसमें नियमों का संशोधन है। तो ये कई सारे प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट बैठक में लाए जाएंगे। अब किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें, पहले ये 12 बजे बैठक यही रखी गई है, पहले कैबिनेट बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर और उसके बाद 1 बजे जो मंत्री परिषद है, यानी कुल उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 53 मंत्री हैं, वो सभी लोग इसमें आएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर तो रहेंगे ही, पहले से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आएंगे, राज्य मंत्री भी आएंगे और सभी लोगों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। क्योंकि आपने देखा 10 तारीख से जैसा दूसरा चरण शुरू हुआ, अलग अलग जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे मंडलों के, तो उनके प्रभार में बदलाव हुआ, यानी जो पहले कोई आजमगढ़ का था तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को भेजा गया। तो वो लोग 3 दिन तक दौरा करके आए हैं और क्या कुछ उन्होंने देखा है जिलों में, तो इस पर भी मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे, लिया जाएगा और उस पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अनुभव, और जब ये बैठकें होंगी और जो चर्चाओं के विषय रहेंगे क्या निकल कर आएगा, इसके लिए फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं 3 जून को काम